एक तरफ गुजरात में स्थानिक स्वराज्य चूंटणी योजावा जा रही है त्यारे फरी एक बार राज्य सरकार सामे शिक्षित युवाओं सोशल मीडिया ना माध्यम थी आंदोलन छेड़ू छे। बिन सचिवालय क्लार्क नी भर्ती परीक्षा ने लईने छेल्ला दोढ़ेक वर्ष थी गुजरात में शिक्षित युवाओं राज्य सरकार नी सामे बायो चढ़ावी छे। कारण के बिन सचिवालय क्लार्क नी भर्ती परीक्षा लेवामां आवी त्यारे पेपर लीक नो मुद्दो उठ्यो हतो, जेने लईने शिक्षित युवाओं गुजरात नी राजधानी गांधीनगर खाते धरना अने विरोध प्रदर्शन पण योजा हता अने आखरे सरकारे आ युवानोनी सामे झूकवू पड्यु हतु अने सरकार द्वारा बिन सचिवालय क्लर्क नी भर्ती परीक्षा रद्द करवानो निर्णय लेवामां आव्यो हतो। परंतु हजु सुधी बिन सचिवालय क्लर्क नी भर्ती परीक्षा ने लईने विवाद शम्यो नथी। कारण के राज्य सरकार द्वारा ते बाद बिन सचिवालय क्लर्क नी भर्ती परीक्षा ने लईने हजु सुधी कोईपण प्रकार नी तारीखो जाहेर करवामां नथी आवी, त्यारे फरी एकवार शिक्षित युवाओए राज्य सरकार सामे सोशियल मीडियामां आंदोलन छेड्युं छे अने बिन सचिवालय क्लर्क नी भर्ती परीक्षा ने शुरू करवानी मांग करी छे। बिन सचिवालय भर्ती परीक्षा ने लईने राज्य सरकार की उदासीनता ने कारण युवाओं राज्य सरकार सहित केन्द्रीय नेताओं ने पण सोशियल मीडिया में ट्रोल कर्या छे अने शिक्षित युवाओं द्वारा बेरोजगारी की समस्या ने लईने ट्विटर पर मीम्स पण बनावामां आव्या छे। वधुमां बिन सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा ने लईने युवाओं द्वारा सोशियल मीडिया में करवामां आवी रहेल आंदोलन ने आम आदमी पार्टीए पण टेको जाहिर कर्यो छे। त्यારે હવે ગુજરાતમાં એક તરફ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ યોજાવા જઈ રહી છે અને બીજી તરફ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી શિક્ષિત યુવાનોએ રાજ્ય સરકાર સામે આંદોલન છેડ્યું છે, જે હવે સત્તા પક્ષ માટે કેટલી મુશ્કેલીઓ સર્જી શકે છે તે તો આવનારા સમયમાં જ ખબર પડશે। અમદાવાદથી ગુજરાત તક માટે ગૌતમ જોશીનો અહેવાલ।